तो इस नए तरीके का फॉलो कर कर आप इंटरेस्ट के ऊपर एफर्ट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं दो पिंटरेस्ट के ऊपर एफर्ट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीच सेलेक्ट करना है ताकि उसी के अनुसार हम अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकें एंड उसी के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सकें एंड नीच को सेलेक्ट करने के लिए हम यहां पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं तो इस वेबसाइट का नाम है ट्रेंड स्टोट पिंटर स्टोट ट्रेंस डॉट प्रिंट्रस्ट डॉट कॉम बेसिकली पिंट्रस्ट का एक फीचर है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं कि इस समय Pinterest के अंदर कौन से निश ट्रेंड के ऊपर चल रही है उसी के अनुसार आपको अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है कॉन्टेंट को पोस्ट करना है एंड वहाँ से आपको अपने लैंडिंग पेजेस वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक ड्राइव कर लेना है तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है ट्रांस डॉट डॉट कॉम अब आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इसके बॉटम के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिस्कवर ट्रेंड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स का तो सिंपली आपको उसको क्लिक करना है अब आपको यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा तब आपको यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर देना है जैसे कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है ट्रेंड टाइप का तो आपको इसको क्लिक करना है यहाँ से आपको ग्रोइंग ट्रेंड्स इसको चूज़ कर लेना अब आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी एंड जिस भी कैटेगरी के ऊपर आपको वर्क करना है आपको उसको चूज़ कर लेना है जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं हेल्थ है का तो सिंपली मैं हेल्थ है इसके ऊपर टिक कर दूँगा देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे की वर्ड्स आ जाएंगे मैं आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जिसके ऊपर आप अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हेल्थ के नीच के अंदर पिंटरेस्ट के अंदर इस समय कौन सा की ट्रेंड के ऊपर चल रहा है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई है तब आपको यहाँ पर सभी कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना है सभी के ट्रेंड्स को आपको यहाँ पर एनलाइज करना है उसी के बाद ही आपको यहाँ पर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर इन कीवर्ड्स के मंथली वॉल्यूम्स को चेक करेंगे वैसे हम यहाँ पर यह जाँच करेंगे अगर हम इन कीवर्ड के ऊपर वर्क करते हैं तो क्या हमें यहाँ पर डिसेंट ट्राफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसकी जांच भी हम यहाँ पर करेंगे उसी के बाद ही हम यहाँ पर इन कीवर्ड्स के ऊपर वर्क करेंगे तो जांच करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर अगेन प्रिंट का यूज़ करने वाले हैं एंड इसके माध्यम से हम यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे और हम यहाँ पर अपने कीवर्ड्स के मंथली वॉल्यूम्स को चेक करेंगे अब आपको मंथली वॉल्यूम्स कैसे चेक करना है उसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो मंथली वॉल्यूम चेक करने के लिए अगेन आपको पिंट के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा होम फीड का तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कैंपेन का तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको बोटम में आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पर टारगेट स्ट्रैटेजी श्रे, इसका ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा अब आपको इसको ऊपर क्लिक कर देना है जैसा आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स का तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पर अनेबल इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसा आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा अब आपको ऐड कीवर्ड वर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा अब आप जिस भी कीवर्ड के वॉल्यूम को चेक करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इस कीवर्ड के वॉल्यूम को चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा जैसा हम इसको पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने कीवर्ड को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने इस कीवर्ड का सारा डाटा आ जाएगा वैसे अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर वर्क करते हैं तो प्रिंटरेस्ट के माध्यम से हमें मंथली कितने व्यूज़ मिल सकते हैं उसकी जानकारी आपके सामने आ चुकी है अगर मैं यहाँ पर ट्रैक बॉडी गोल्स इस की के ऊपर वर्क करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मंथली हंड्रेड के से लेकर फाइव हंड्रेड के तक का ट्राफिक मिल जाता है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी कीवर्ड्स को एनालाइज कर लेना है एन ओ के अनुसार आपको यहाँ पर उस कीवर्ड को चेक कर लेना है जहाँ से आपको डिसेंट ट्राफिक मिल जाता है मान लो मैं यहाँ पर इस कीवर्ड वर्ड के ऊपर वर्क करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मंथली टेन के से लेकर हंड्रेड के तक का ट्राफिक मिल जाता है तब तो आपको यहाँ पर एक कीवर्ड चूज़ कर लेना है जिसके ऊपर डिसेंट ट्राफिक आ रहा है उसी के अनुसार आपको अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसी के अनुसार आपको अपनी पिंस क्रिएट कर लेना है जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर इसी कीवर्ड का एग्जाम्पल लेने वाले हैं तो कीवर्ड का नाम क्या है हाई प्रोटीन लो कैलोरी मिल्स तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने पिंस क्रिएट करेंगे तब तो हम यहाँ पर अपनी पिंस क्रिएट करने वाले हैं तो सिंपली मैं यहाँ से इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ अब मैं इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग पिन आइडियाज़ फाइंड करूंगा जिसके अनुसार मैं अपनी पिन क्रिएट करूंगा तो पिन आइडिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का तो सिंपली आपको चैट जीपीटी के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से प्रॉम्प्ट टाइप कर देना जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा है प्लीज़ गिव मी थर्टी पिन आइडियाज़ फॉर और यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड कॉपी एंड पेस्ट कर दिया देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर दिया यू कैन सी मेरे सामने तीस आइडियाज़ आ चुके हैं जिसके ऊपर मैं अपनी पिन क्रिएट कर सकता हूँ अब आपको यहाँ से एक आइडिया को कॉपी कर लेना है जैसे कि मान मालूम यहाँ पर ग्रिल्ड चिकन सैलेड इसके ऊपर अपनी पिन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कॉपी इसको कर लूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर इसके लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करूँगा ताकि इसको मैं अपनी पिन के अंदर यूज कर सकूँ तो डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको कुछ स्टेप से प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है प्लीज़ राइट शॉर्ट फाइव पॉइंट फॉर दिस स्पिन आइडिया और यहाँ पर मैंने अपना आइडिया कॉपी एंड पेस्ट कर दिया तो इसने मुझे यहाँ पर पाँच आई पाँच यहाँ पर इसने मुझे शॉर्ट पॉइंट्स बना कर दे दिए हैं जिसको मैं अपनी पिन के अंदर यूज कर सकता हूँ अब सिंपली मुझे यहाँ पर इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपनी पिन क्रिएट करना है तो पिन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैनवा का तो सिंपली आपको कैनवा के ऊपर आना है और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना जैसे आप कैनवा के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा अब आपको यहाँ पर प्रिंटस्ट पिन इसको फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सोशल मीडिया इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको प्रिंट पिन का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना अब आपको यहाँ पर अपनी पिन क्रिएट करना है अब मैं आपको यहाँ पर कैसे प्रोफेशनल पिन क्रिएट करते हैं उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला तो पिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चूज़ करना पड़ेगा तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा बैकग्राउंड इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे तो यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड को चूज़ कर लेता हूँ अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का करने वाला हूँ इसका कलर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करने वाला हूँ तो उसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँगा उसके कलर को मैं यहाँ पर डाउन कर दूँगा ओके okay, अब मुझे यहाँ पर अपना कॉन्टेंट ऐड करना है तो कॉन्टेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एडी हेडिंग इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब मैं यहाँ से अपने पिन के टाइटल कॉपी करने वाला हूँ तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर मैं इसके टाइटल को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा हल्का सा मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट कर देना अब इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ मीनस इसके बैकग्राउंड के अंदर मैं अन्य कलर को चूज़ करना चाहता हूँ उसके तो बैकग्राउंड के अंदर मैं बेसिकली बॉक्स को ऐड करने वाला हूँ तो बॉक्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एलिमेंट्स इसके ऊपर क्लिक करना है शेप इसके ऊपर जाना है और यहाँ से आपको बॉक्स को चूज़ कर लेना है ओके नाउ अब आपको बॉक्स को इसके बैकग्राउंड के अंदर इस तरीके से लगा देना है जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपको यहाँ पर बॉक्स को लगा देना है ताकि ये यहाँ पर प्रोफेशनल दिखाई दे ठीक है ना मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट भी कर दूँगा इस तरीके से ताकि थोड़ी प्रोफेशनल दिखाई दे ओके okay, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया ठीक है इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा अब मैं बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाला हूँ जैसे कि मैं बैकग्राउंड के अंदर येलो कलर को रखने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने येलो इसको चूज़ कर लिया ओके okay, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना बैकग्राउंड भी ऐड कर दिया मीन्स यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट भी ऐड कर दिया मीन्स हेडिंग भी ऐड कर दिया अब मुझे यहाँ पर क्या करना है मुझे यहाँ पर अपना मेन कंटेंट ऐड करना है तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस तरीके से अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा टेक्स्ट इसको पर क्लिक करूँगा एड सब एडिंग इसको पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं अपने कॉन्टेंट को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से मैं राइट right अलाइनमेंट इसको चूज़ कर लूँगा अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा अब मुझे इनके बीच में गैप चाहिए तो मैं यहाँ पर एंटर इसको पर क्लिक कर दूँगा इस तरीके से यहाँ पर भी क्लिक कर दूँगा ताकि इनके बीच में मुझे गैप मिल जाए ठीक है नौ मैं यहाँ पर क्लिक करके कर इसको डिलीट कर दूँगा इसको डिलीट कर दूँगा इसको डिलीट कर दूँगा एंड इसको डिलीट कर दूँगा तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपना मेन कॉन्टेंट भी ऐड कर दिया है अब बैकग्राउंड के अंदर मुझे यहाँ पर इमेज को ऐड करना है तो पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा एलिमेंट्स इसके ऊपर क्लिक करूँगा एन इसी के अनुसार मैं यहाँ पर इमेज़ को फाइंड करने वाला हूँ तो इसको मैंने पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है फ़ोटोज़ इसके ऊपर क्लिक कर दिया है यहाँ पर आपको पेड फ़ोटोज़ दिखाई देंगी एंड बहुत सी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी तो आपको यहाँ पर फ्री वाली फ़ोटो को चूज़ कर लेना है जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इसको चूज़ कर लेता हूँ अब मैं इस प्रकार से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा इस तरीके से कुछ ताकि ये बैकग्राउंड के अंदर इस तरीके से दिखाई दे ठीक है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया अगेन अब आपको इसको चूज़ करना है पोजिशन इसके ऊपर क्लिक करना है लेयर्स इस इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपको बैकग्राउंड में सेट कर देना है ओके okay, उसके बाद आपको इसके ऊपर आना है यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा डाउन कर देना है इस तरीके से ताकि आपका टेक्स्ट यहाँ पर उभर कर आ जाए तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को ऐड कर लेना है और उसको आपको अच्छे से कस्टमाइज कर लेना है ताकि आपका कॉन्टेंट यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अपनी एक प्रोफेशनल पिन क्रिएट कर लिया है सेम इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल पिन क्रिएट कर लेना है पिन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है शेयर इसके ऊपर क्लिक करना है डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ से आपको पी इसको चूज़ कर लेना है तो देन डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपकी पिन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने थर्टी आइडियाज़ के लिए पिन क्रिएट कर लेना है और पिन कैसे क्रिएट करते हैं पूरा प्रोसेस मैं हम एक्सप्लेन कर देंगे नाव अब आपको एक वैफ्लेट प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसको हम अपनी पिन के माध्यम से प्रमोट करेंगे तो ऐफल प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिशो ट्वेंटी फोर अब आपको डिशो ट्वेंटी फोर के ऊपर आना है इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है अब आपको अपनी नीच के अनुसार एक प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है जैसे कि हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं हाई प्रोटीन लो कैलोरी मील्स के ऊपर जो आता है कीटो की नीच के अंदर तो हम यहाँ पर सिंपली कीटो के प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है डिजिटल प्रोडक्ट्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है और कीटो का प्रोडक्ट आता है हेल्थ की नीच के अंदर सिंपली आपको यहाँ पर आना है हेल्थ एंड फिटनेस इसको पर क्लिक कर देना है जैसे आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सौ तिरासी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे अब आपको यहाँ पर कीटो के एक प्रोडक्ट को फाइन कर लेना है जैसे कि हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल लेने वाले हैं तो प्रोडक्ट का नाम क्या है द अल्टीमेट कीटो मील प्लान द अल्टीमेट कीटो मील प्लान बेसिकली कीटो की एक ई बुक है जिसके अंदर आपको डिफरेंट रेसिपीज बताई जाती हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपना वेट लॉस कर सकते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं अगर हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर पर सेल का 58 डॉलर तो तक का कमीशन मिल जाता है मान लो मैं यहाँ पर दिन की 10 सेल भी निकलवा लेता हूँ तीसरी मैं यहाँ पर पर डे के 580 डॉलर तो तक को अर्न कर सकता हूँ एंड दोस्तों आप इस प्रोडक्ट के कार्ट कन्वर्जन को भी देख सकते हैं जो कि अराउंड ट्वेल्व है मिस बहुत ही कन्वर्टिंग प्रोडक्ट है अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से अपनी पहली सेल निकलवा सकते हैं एंड दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर रिकमेंड करता हूँ जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो प्रमोट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट के सेल्स पेज एंड एफर्ट सपोर्ट पेज को जरूर चेक करना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रोडक्ट किसके बारे में और कैसे आपको उसको प्रमोट करना है एंड प्रमोट करने के लिए आपके यहाँ पर आना है प्रमोट नाउ इसके ऊपर क्लिक करना हो और यहाँ से आपको अपने एफर्ट लिंक को कॉपी कर लेना है अब हमने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया है नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करना है नहीं तो आप यहाँ पर सिंगल पेज वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं तो लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं तो वेबसाइट का नाम है गूगल सेट इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितने सारे लैंडिंग पेजेस क्रिएट करे हैं सिम इसी तरीके से आप यहाँ पर गूगल साइट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं एंड लैंडिंग पेज क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको बनाना नहीं आता है तो सिंपली आप हमारे प्ले को चेक कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं नहीं तो आपको कमेंट कर लिख देना लैंडिंग पेजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लैंडिंग पेजेस बनाना सिखा दूंगा तो सिंपली आप गूगल साइट के माध्यम से ही अपने प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेना नाउ अब आपको अपने पिन ट्रस्ट के लिए टाइटल व डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है मिसा आपको अपने पिन के लिए टाइटल व डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चैट जी का तो सिंपली आपको चैट जी के ऊपर आना है अब आपको यहाँ से अपने मेन की को कॉपी कर लेना है अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है प्लीज़ राइट ट्रैक्टिव टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पिन और यहाँ पर आपको अपनी पिन का आइडिया कॉपी एंड पेस्ट कर देना है देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब चे जीपटी यहाँ पर अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा यानी यहाँ पर आपको टाइटल व डिस्क्रिप्शन बना कर दे देगा ना हो अब आपको पिन ट्रस्ट के ऊपर जाना है और पिन ट्रस्ट के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है एंड बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ऑलरेडी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ नहीं तो आपको हमारी पिनटरेस्ट की प्ले के ऊपर चले जाना है बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जिसके माध्यम से आप अपने पिंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को सेटअप भी कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको उन वीडियोस के अंदर मिल जाएगी तो सिंपली आपको पिंटरेस्ट को बनाना है बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है और नीचे के अनुसार आपको अपने बिजनेस अकाउंट को सेटअप कर लेना है बिजनेस अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा थ्री डॉट का तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है क्रिएट पिन इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पर अपनी पिन कोड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है जैसे कि यहाँ से मैं अपनी पिन कोड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अब आपको यहाँ पर अपने टाइटल को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है तो यहाँ से मैं अपने टाइटल को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर आपको अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है तो यहाँ से मैं अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर आपको अपने लैंडिंग पेज का लिंक डाल देना है यहाँ पर आपको अपने नीच के अनुसार बोर्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको अपनी पिन को सेव कर देना है यहाँ पर आपको टैक्स को चूज़ कर लेना है जैसे कि मैं कीटो डाल देता हूँ बहुत सारे टैक्स आपके सामने आ जाएंगे तो यहाँ से आपको टैक्स को चूज़ कर लेना है अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट टैग करना चाहते हैं तो ऐड प्रोडक्ट के माध्यम से आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट टैग कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको अपने अगेन मैं यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा टाइटल कॉपी नहीं हुआ है तो मैं अगेन यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर मैं अपने टाइटल को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा अब आपको यहाँ पर आना है पब्लिश इसको पर क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी पिन को पब्लिश करना है सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी दूसरी पिन क्रिएट करना है यहाँ से आपको अपने आइडिया को कॉपी कर लेना है उसके अनुसार आपको यहाँ पर अपना कॉन्टेंट क्रिएट करना है कैनवा के माध्यम से आपको यहाँ पर अपनी पिन क्रिएट करना है ट्वेंटी के माध्यम से आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लेना है गूगल साइट के माध्यम से आपको यहाँ पर अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेना है अगेन चैट जी के माध्यम से आपको यहाँ पर अपना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है वो सारे कॉन्टेंट को आपको पिंट्रस्ट के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है एंड पब्लिश इसके ऊपर क्लिक कर देना है इसी तरीके से आपको यहाँ पर डेली बेसिस के तीन से लेकर चार पिनस को पब्लिश करना है अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम पिंस को पब्लिश करेंगे डेफिनेटली आपके पिंस के ऊपर ट्रैफिक आएगा जो आपके लैंडिंग पेजेस के ऊपर जाएगा प्रोडक्ट आपके सेल होंगे आप यहाँ पर मनी मेक कर पाएंगे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर आउट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं आई होप आपको आज का मेथड समझ आया होगा कैसे इसको अप्लाई करना है वह भी आपको समझ आया होगा अगर आपको आज का मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें एंड कम से कम इस वीडियो को हंड्रेड लाइक्स लेके करें ताकि टाइप का औसम awesome कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ